मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो जब हमने देखा तो तेजी से बेटा और बेटियों के बीच में अंतर बढ़ रहा था, और अंतर बढ़ने का कारण मानसिकता एक थी कि बेटी बोझ है, बेटी वरदान नहीं है। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आई कि जब तक बेटी को बोझ समझेंगे तब तक लोग बेटी को आने से रोकेंगे। अच्छा, आप आश्चर्यजनक इसके पहलू देखेंगे तो गांव से कम बेटियां शहरों में पैदा होती हैं, गरीबों से कम बेटी अमीरों में पैदा होती है, बिना पढ़े लिखों से कम बेटी पढ़े लिखों में पैदा होती है। तो ये जहाँ समझ है, समझ मैं नहीं कहूँगा, जहाँ शिक्षा शिक्षित अपने आप को कहते हैं, जहाँ समृद्ध अपने आप को कहते हैं, वहाँ बेटी आने से और रुकती है। तो मुझे लगा कि एक माइंडसेट बदलने का अभियान चलना चाहिए, तो हमने बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में चलाया। लेकिन फिर हमको लगा केवल नारे से कुछ नहीं होगा, केवल भाषण से कुछ नहीं होगा, हमको कुछ कदम ऐसे ज़रूरी उठाने पड़ेंगे जिससे बेटी बोझ न रहे, बेटी वरदान बन जाए। उसलिए हमने एक योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना। उस योजना में हम लोगों ने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो इंसेंटिव देंगे हम, बेटी के पैदा होती 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के नाम पर जमा करेंगे, और उसका फ़ायदा होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, इसके बाद 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,00,000 रुपया उसको दे देंगे। तो ये अब तक इस लाडली योजना के, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लगभग 23 लाख से ज़्यादा बेटियाँ लाडली लक्ष्मी बन चुकी हैं, जिनके नाम पर हम लगभग 7,000 करोड़ रुपया जमा कर चुके हैं। और जब ये बेटियाँ बड़ी होगी तो इन बेटियों को 27,900 करोड़ रुपया मिलेंगे, बीच बीच में पढ़ाई के लिए अलग से पैसा मिलेंगे। तो अपने आप में एक ऐसी योजना जिसको बाकी कई राज्यों ने अपनाया, लेकिन केवल एक योजना नहीं, इस योजना के साथ हमने जोड़ा बेटियों को स्कूल जाए तो बुक्स फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, दूसरे गांव जाए तो साइकिल फ्री, 12th में अगर वो 60% नंबर ले आए तो कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा फ्री, 5,000 रुपया गाँव की बेटी के अंतर्गत हर साल देते हैं, 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में, ताकि चुन चुन के बहने आए, मेयर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच से लेकर पार्षद तक बने और सरकार चलाए। सही अर्थों में जब तक शासन चलाने के सूत्र उसके हाथ में नहीं होंगे तो महिला सशक्तिकरण ठीक से नहीं होगा। फिर 50% रिजर्वेशन शिक्षा जैसी नौकरियों में, 33% पुलिस जैसी नौकरियों में भी समय देने का काम किया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश ने बड़े मजबूत कदम उठाए हैं।